यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू SR व्लॉग्स। और आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, रेसिपी वीडियो। आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे रेसिपी वीडियोस के लिए, इसलिए एंड थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट फ्रॉम यू टू अस। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, प्लीज, एंड कीप लविंग अस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इधर से जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 300 ग्राम बेसन लेना है हमें, और 100 ग्राम रवा यानी सूजी, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर एंड मेथी, धनिया पाउडर लेना है हमें यहाँ, और ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और शुगर। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। तो हमें पहले बेसन लेना है और उसमें डालना है सूजी यानी रवा। सूजी डालने के बाद हमें शक्कर डालनी है, तीन स्पून हमें डालना है, और सॉल्ट टेस्ट के अनुसार डालना है हमें। और अब ब्लैक पेपर पाउडर 1 स्पून डालना है, और धनिया पाउडर हमें धनिया पाउडर थोड़ा जार्ड रखना है। हमने करीब करीब 3 स्पून डाले। फिर हमें डालना है ग्रीन चिलीज, डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मिक्स कर लेना है। अभी हमने इधर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमें इसमें गरम तेल डालना है, जैसे कि हम गरम तेल कर रहे हैं। हमने इसमें 2 चम्मच सोडा भी डाला है, और उसके बाद हमें तेल डालना है, गरम तेल। हमने 2 चम्मच लिए हैं, बड़े 2 चम्मच लिए हैं गरम तेल, और डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद हमें इसमें मेथी डालना है, और साथ ही में कोरिएंडर भी डालना है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है फिर से, और आप आगे जाकर इसकी कंसिस्टेंसी देख लेना। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, मतलब मीडियम रखनी है आपको। और हमारा बैटर रेडी है, अब हम इसको फ्राई करेंगे गरम गरम तेल में। तो मतलब ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया, अभी इसे फ्राई करना है, और एंड इट्स रेडी। और ये हमारा बनकर तैयार है, और आप इसे कढ़ी के साथ भी खा सकते हो, मतलब ये कढ़ी के साथ ही खाना होता है। सो हे गाइस, चलिए टेस्ट करते हैं। और हमारे फेस गंदे हैं थोड़े से, और ये आँस में बीच बीच में क्यों आती है, आई डोंट नो। तो ये थोड़ा सा बीच बीच में आएगी, ये देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उस पर थोड़ा सा गुस्सा हूँ तो बहुत गरम गरम अच्छे लगते हैं, मगर बहुत ही गरम थे। तो साइश का मुँह देखो, मैं सब पर गुस्सा थी, पर इट्स नाइस। आपको रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। और ये आस में बीच बीच में क्यों आ रही है, आई डोंट नो। तो बहुत ही अच्छा है, रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। सबके रिएक्शंस देखकर आपको पता चल हो गया। चल गेट एवरीबॉडी एंड बाय बाय।